मेजर पद से रिटायरमेंट फौज में से हकीकत बात बताऊंगा, आज हकीकत सुनाऊंगा। बोंद के अंदर मेरा रागनी कंपटीशन फोन आया, 2 महीने बाद बेटे सुरेश बोल रहा महाजी, बोला नंदाने वाला महाजी, बोला बेटे आपसे मिलना है। मैं मेजर सुरजपाल सिंह बोल रहा हूँ ठाकुर साहब, माँ अंकल जी मेरा प्राण का प्रोग्राम होगा तो मैं आपसे मिल के जाऊंगा। डटाना गया, 74 साल का ताऊ था, अपने पोते ने लेकर मोटरसाइकिल पर घर आया। आती है उसने मेरे से एक सवाल पूछा, अक बेटे आप झूठ को क्या मानते हो? मैं सजनों सहम गया, मां झूठ ने तो ताऊ सारे बूंदा मानना है। नुबला ना बेटे, झूठ झूठ देखी जाती है, मेरे से सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप फैसला करना अक झूठ सही है या गलत है। कैसे? उसने एक बात बनाई, सुनने लायक बात शायद सुनी हुई नहीं होगी, सच्चाई की धर्म की अधर्म के ऊपर अगर इस एक रागनी का आदमी अनुसरण कर लेना तो उसका जीवन पार है, और बाकी आप सुन के बताना कैसे। सम्मान कर दिया वो नरेश है कौन सा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, 100 रुपए से मान सम्मान। और कृष्ण लोहात साहब 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नहीं और लोगों सारी झूठ एक सी कोना, झूठ बिना भी सरिया नहीं। राणा सांगा राजा होया, उसकी दासी का नाम था पन्ना दाए। स्वर्ण की बात से पांचवी में पाठ आया करता पन्ना दाए का, जो पांचवी लग जा रहा है उसने बेरा है। राणा सांगा राजा जो आ करता प्रजा ने अपने बेटी की तरह पाड़ा करता, रख रखाव करया करता, भेष बदल कर घूमया करता अपने राज्य में। कह एक समय की बात, भेष बदलना भूल गया, तड़के पर बीका टाइम हो गया, प्यास लग रही, पानी पीने के लिए कुएं पर गया। तड़के हमारी काकी ताई दादी कुआं पर 2:30 बजे जा लिया करती पानी भरने, और उनने जब राणा सांगाती देखा डोल ऊपर आ लिया कुआं पर, और उन लुगाइया मुंह मत बेरा के लकड़ी, बलाए नाश हो गया, किसे बे उलादा के दर्शन होंगे, पानी ना पिया। सजनो राणा सांगा ने उल्टा आके महल के अंदर कोप भवन में लेट गया। पूछा कौन? लाडली कोडली दासी थी पन्ना दायवा गई कि महाराज। बोला हाँ पन्ना। बोला जी के बात होगी? बोला पन्ना चली जा वरना सर कलम कर दूंगा। बोला कह तो बात बता दो ना सर कलम कर दो। बोला रे पन्ना, मैंने इस प्रजा को अपना बेटा माना, और सुबह जब मैं कुएं पे जल पीने के लिए गया एक औरत ने बोली किसा बेउलादा के दर्शन होंगे। हे महाराज,
पन्ना दा ने देखा राणा सांगा इस कम में अपने प्राण त्याग देगा, इस प्रजा ने कौन संभालेगा। दिमाग बदलिया महाराज, किसने कह दिया आप बे औलादा हो, आपकी रानी आशा उम्मीद है। नू कहती है खुशी की लहर दौड़ी गली डर ला गया, बोला पन्ना झूठ बोल रहे है। बोला नहीं महाराज, दरबार लगाया गया लखवाया। अगर एक पन्ना दाई सियाणी औरत थी, एक साल का टाइम लिखा दिया क्योंकि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, अगर एक साल में राणा सांगा के घर औलाद नहीं हुई तो मेरा खून राणा सांगा को माफ। खुशी का माहौल हो गया, उसी के परमात्मा करने ऐसे हो, रानी गर्भवती होगी, उसका छोरा हो गया। लड़के का नाम उदयदीप टेक्या, उदय सिंह टेक दिया, और पन्ना दहाय भी गर्भवती होगी। बीमारी के वास उदय सिंह जब 2.5 साल का था उसकी मृत्यु होगी। रणधीर सिंह उसका मंत्री था, राज्य पर कब्जा कर लिया कि मैं राजकुमार न और मारूंगा। पन्ना दहाय दासी के पास गया, बोला पन्ना राजकुमार कड़े है कत्ल करूंगा। सजनों उस दासी ने अपने लड़के के कपड़े राजकुमार को पहना दिए और राजकुमार के कपड़े अपने लड़के को पहना दिए। ये मेरी माताएं बहने बैठी हैं कोई, और अपने हाथा में रण सिंह मंत्री ने तलवार से कत्ल कर दिया। कोई माँ अपने बेटे ने कत्ल करवा के दिखा दो, उसने झूठ बोली और राजकुमार को बचा। पहली कली में झूठ इसी सी हो है, आप फैसला करना या झूठ सही है या गलत है। बेबे बोला के भी गावांगे, जरूर गाऊंगा। क्या लिखा पहली कली में, बोलता तो आज संसार में नरसी सेठ को कोई नहीं जानता। सभी को याद है गढ़गंगा पर गया कृष्ण भगवान पंडे का रूप बना के आगे। नरसी भी शाना था घाट पर ना नहा दूरे नहाया, बोला जैसे ही नहा के निकला बना के पंडित का बेशक जजमान दक्षिणा। नरसी सेठ ने झूठ बोल दी, बोला पीछे को ना देखे जूनागढ़ माजी है किससे पर पूछ लिया नरसी सेठ उड़ा के दे दूंगा। जैसे ही नरसी सेठ घर आए 10-15 दिन पाछे फिर कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का भेष बना आ गया। द्वारपाला दिखाने लग गया, रे जाकर कहियो नरसी सेठ ने गढ़गंगा वाला पिंड आ रहा है। और जब पिंडे का नाम सुनया कंजूस था, ये हमारे ताऊ जी 50 रुपए से आशीर्वाद दिया, दिल की गहराई से धन्यवाद। नू बोला नू का दे नरसी सेठ तो बीमार सर मरण न हो रहा है। बोला भाई फेट का जाऊंगा। नरसी सेठ ने देखा ना जावे, नू मुनियादी करवा दी कि नरसी सेठ मर गया। नू बोला भाई दाग दबा के जाऊंगा। अर्थी पर लेट गया, शमशाना में ले गए
अर्चता पर लुटा दिया। कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई वो मरेगा रे दौरा गैर कान मजाक नरसी सेठती बेर हके बोलिया बोला रे नरसी जिस धन माया के लिए तू इस अर्थी पर लेट गया इस चता पर लेट गया क्या धन माया तेरे साथ जारी है। सजनों जब बे समझ में आ गई सारा सौदा धन दौलत दान कर दिया। अगर नरसी झूठ नहीं बोलता तो आज पूरे संसार में कोई नहीं जानता। अगर नरसी सेठ था आप फैसला करना झूठ सही है गलत है क्या लिखा दूसरे नंबर पे छोरे। अजीतपुरा निवासी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। और ये वह रे परमात्मा ड्यूटी लावा बेटे तने दान करना है तने कंजूस पड़ा करना है तने चोरी करनी है दान सब पना होता है। नरेश सोराण भाई दिल की गहराइयों से धन्यवाद 100 रुपए से और मान सम्मान किया दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस को सभी जानते हैं ना हाथ खड़े कर लो जानो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर सुभाष चंद्र बोस झूठ नहीं बोलता तो आज इतिहास के पन्नों पे सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं होता। जब उसके दोस्त मौलवी को पता लग्या कि कल सुभाष चंद्र बोस को फांसी तोड़ेंगे ये पूनम चंद शर्मा जी संडवा निवासी 1100 रुपए तो बाबा के चरणों में और 100 रुपये पार्टी के लिए काट के दे दे काका। जब बेरा पटा मौलवी गया जेल के अंदर मिलने दो शेरवानी पहन ली दो पजामी दो टोपी नुकल लगे रहे सुभाष चंद्र बोस तड़का तने अंग्रेज फांसी तोड़ेंगे जेल में तो बोला रे मेरे लिए गर्व की बात है मेरी माँ के लिए इस धरती माँ के लिए शहीद हो रहा हूं। बोला रे शहीद को ना या जो चिंगारी तेरे को भारतवासियों के दिल में भरनी है ना इसके लिए तेरे को जीवित रहना पड़ेगा। बोला भाई क्या करूं नकली गाड़ी ला दी शेरवानी अपना रूप दे दिया उस मौलवी ने और जेल तो लकड़ गया। अगर वो वहां से नहीं निकलता तो आज सुभाष चंद्र बोस को आज पूरा संसार जानता इतिहास के पन्नों पे नाम नहीं होता। और मरिया भी क्यों करे भगत सिंह का बेरा फांसी टूटा राजगुरु सुखदेव का भी बेरा है मैणावंती यानी का भी बेरा है कभी घोड़ों की टापों से अंग्रेजों ने कुचलवा दिया था 14 साल की लड़की थी खुदी राम बोस का पता है
उसका नहीं बेरा क्यों कर मरिया। अगर झूठ नहीं बोलता, जेल से नहीं निकलता तो भारत आजाद नहीं होता। इब आप फैसला करना झूठ सही है गलत है। क्या लिखा तीसरे नंबर? कमजोर से नहीं बोली जा, मगर झूठ भी परमात्मा ने जो चीज बना दी वो सजनों गलत नहीं है। कवि के हिसाब से किसी झूठ बोलनी चाहिए। चौथे नंबर पे क्या लिखा? क्या जाएगा शर्मा। जा को मर्द अजमाना चाहे